सो हे गाइस, दिस इज शुभम एंड यू आर वाचिंग जीरो आवर्स। तो आज हम इस नॉर्मल से कार स्टीरियो में ब्लूटूथ ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहले से फंक्शनलिटी दी गई है वो है डीवीडी, यूएसबी और ऑक्स की, मतलब ऑक्स से अपना गाने को प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एफएम भी है। तो मेरे को नहीं पता कौन से मॉडल का है ये, पर ये सोनी ब्रांड का है। तो सबसे पहले मेरे को इसे बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपका इस तरह का ब्रांडेड है तो बस एक इस तरह का एक बटन होगा जिसमें एग्जिट लिखा होगा या फिर किस तरह का साइन होगा, तो आप इसे दबा के इसे तो मैं क्या कर रहा था, आप दबा के इसे इस तरह आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्शन है जो कि वहां पर जाके जुड़ता है, और ये सीडी प्लेयर का वो क्या बोलते हैं कैसेट डालने वाला है, ठीक है। तो वहां से डाला जाता है। तो अगर आपका इस तरह फ्रंट पैनल नहीं निकलता है तो आपको क्या करना होगा, इस डैशबोर्ड को इस तरह खोल के पूरा निकालना होगा और इस प्लेयर को निकालना होगा, उसको उसके अंदर से वायरिंग करनी होगी ब्लूटूथ की, ठीक है। तो हम इसमें ब्लूटूथ इंस्टॉल करने वाले हैं, इसी के अंदर में कोई प्लेस देख लेंगे और उसमें सर्किट जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसमें ब्लूटूथ इंस्टॉल करने, ठीक है। तो हम आ गए अपने छोटे से 1x1x1 के स्टूडियो में, ठीक है। ये जो 1x1x1 है ये मीटर है, ठीक है। तो टॉपिक में आते हैं, आपको यहाँ पर चार नट दिख रहे होंगे, तो आपको सबसे पहले इसे खोल लेना है। तो जल्दी से मैं इसे खोल के खोलने के लिए इस तरह कोई साफ ऑब्जेक्ट लेना है और इस तरह करते करते सारे लॉक्स खोलना है। तो ये पूरी तरह खुल चुका है और ये अंदर से कुछ इस तरह देखने में लगता है। किन वायर्स में हमें इसके ऑडियो इनपुट, ब्लूटूथ ऑडियो के इनपुट को जोड़ना है उसे पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले इसके ऑक्स है ना, ये ऑक्स कनेक्टर को इसमें डाल देना है, ये इस तरह डाल देंगे, ठीक है। और एक मल्टीमीटर से, अगर आपके पास नहीं है तब भी ठीक है, आप बस वायर्स को फॉलो करें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे ग्राउंड कौन सा है इसमें, तो ग्राउंड तो ये वाला है, और इधर देखेंगे इसमें कौन सा आ रहा है इन तीन पिनों में से, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, आप इस पर भी ध्यान रखे रहिए, ठीक है, कि येला नहीं है, ठीक है। ये मिडल वाला ग्राउंड है और येला, तो ये लेफ्ट है, राइट है और बीच वाला ग्राउंड है, ठीक है। तो इसी में हम अपने उसको जोड़ेंगे ब्लूटूथ को। तो ब्लूटूथ मॉड्यूल में जो यूज करने वाला हूँ ना, तो इसमें मैं ये वाला ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाने वाला हूँ। देख सकते हैं कितना छोटा है ये, ठीक है, जो कि अंदर अच्छी तरह फिट भी हो जाएगा, जगह देख के मेरे को बस लगाना है इसे, ओके। तो इस तरह का ब्लूटूथ मॉड्यूल आपको लोकल मार्केट में आसानी से 50 या 60 के अराउंड मिल जाएगा। ऑनलाइन खरीदने की कोशिश ना करें क्योंकि वहाँ पर 100 तक पहुँच गए हैं इसके दाम, ठीक है। तो ट्राई करें कि लोकली स्टोर में आपको मिल जाए। और के लिए है ये प्लस है और ये माइनस वाला, और तीन आपको ऑडियो के लिए मिल जाते हैं, ये लेफ्ट राइट और ये बीच वाला ग्राउंड, ठीक है। तो जितने पतले हो सके उतने पतले वायर्स का यूज़ करना है क्योंकि अंदर में इसके स्पेस बहुत है, तो कम से कम जगह में आपको इसे लगाना होगा। इसे मैं जल्दी से सोल्डर कर देता हूँ। सारा हो गया, ये दोनों पावर वाले हैं ब्लैक और रेड, और बीच वाला नेगेटिव है जो कि वाइट है, ठीक है। और ये दोनों आपके लेफ्ट और राइट चैनल के लिए, ठीक है। तो इसे हम ज्वाइंट करने वाले हैं। अच्छा, अगर आपको पता ना हो ना तो पीछे आप एक बार मोड़ के देख लीजिएगा, आपका सब कुछ लिखा हुआ रहता है। इसे चलने के लिए चाहिए 5 वोल्ट, ठीक है, वो मैं कहाँ से लाऊंगा, ठीक है। तो इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं ना, यहाँ पे एक यूएसबी लगी हुई है। तो यूएसबी में मैं आपको बता दूं कि हमेशा जो यूएसबी डिवाइसेस रहते हैं ना वो हमेशा 5 वोल्ट पे रन करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से 5 वोल्ट निकालना होगा। तो 5 वोल्ट निकालने के लिए आप इधर इस तरफ से देखिए, अंदर देख रहा होंगे कि 4 पिन है, ठीक है। तो आपका जो ये पहले वाला पिन रहता है ना वो हमेशा पॉजिटिव रहता है और इधर वाला हमेशा नेगेटिव, ठीक है। तो इससे हमें 5 वोल्ट मिल जाएंगे, और बीच के दो पिन रहते हैं
वो डाटा के लिए यूज होता है। तो ये जो प्लस वाला है, प्लस वाला के बगल वाला है, ये डाटा माइनस है, और ये वाला डाटा प्लस जो कि ठीक नेगेटिव के बगल में रहता है। तो हमें सिर्फ दो वायर की जरूरत है, ये प्लस वाला और ये कोना वाला माइनस वाला, ठीक है। तो हम इसमें जल्दी से सोल्डर कर लेते हैं। तो पावर वायर अच्छी तरह सोल्डर हो चुके हैं, ठीक है। आपको देख लेना है कि कोई भी दो कॉन्टेक्ट एक दूसरे पे मैच ना करें, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ज़्यादा ही करीब आ गया, तो इस तरह घिस दीजिए। तो इसकी वायरिंग भी अच्छी तरह कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इसको एक अच्छी जगह छुपाना है। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा गैप बना लिया है सारे बॉर्डर्स को क्लियर करके, जिस तरह यहाँ पर बॉर्डर्स थे ना, वहाँ यहाँ पर भी इसी तरह के बॉर्डर्स थे। तो यहाँ पर मैंने क्लियर कर लिया है थोड़ा, ठीक है, ताकि जब मैं इसे बंद करूँ तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर थोड़ा टेप भी लगा लिया है, ताकि मैं इसे रखूँ तो कुछ शॉर्ट ना करे। इसके पीछे कुछ है नहीं वैसे। मेरे को वायर सब फिर से छोटे करने पड़े क्योंकि फिट नहीं हो रहे थे, देख लीजिए मैंने अभी भी वैसे ही वायरिंग की है। तो सब कुछ इस तरह पैक हो चुका है, तो इसके नट बोल्ट्स भी जल्दी से टाइट कर लेते हैं। तैयार है, बस ये वाला लगाना है और ये ठीक पहले जैसा, ठीक है। चलिए इसे लगा के चेक करते हैं। तो गाइस ये बन के तो तैयार हो चुका है, तो इसे जल्दी से लगा लेते हैं। तो जैसे मैंने खोला था वैसे ही ये लग जाएगा अच्छी तरह, और मैं इसे आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप सोच रहे हो कि मैंने इस तरह कोई चीज़ क्यों नहीं लगा दिया, जो कि इस तरह जाके लग जाता है, ब्लूटूथ की तरह काम करता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो चैनल आउटपुट होती है वो सिर्फ एक चैनल की रहती है, मतलब लेफ्ट राइट इसका कुछ है ही नहीं, बस सिंगल चैनल है। तो आपका जो 3D इफेक्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और जो मैंने सर्किट इसके अंदर डाला है उसमें लेफ्ट और राइट चैनल है। तो इसे चालू कर लेते हैं। तो इसमें पावर आ चुकी है, ठीक है। तो इसे मोड में चेंज कर लेते हैं और ऑक्स में ले आते हैं, ठीक है। ऑक्स में लाने के बाद अब हम अपने ब्लूटूथ को खोजेंगे। ब्लूटूथ सेटिंग्स में आते हैं हम लोग, और ये जो ब्लूटूथ है ये डिटेक्ट हो चुकी है। तो जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्शन की ऑडियो सुनाई दे चुकी है, और एक गाना प्ले करके दिखाता हूँ आपको जल्दी से। और तो यही एक बंगाली गाना। और ये अच्छी तरह बज रहा है, ठीक है, और ये प्ले अच्छी तरह कर रहा है, सुन सकते हैं आप। काम कर रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई ऑक्स लगा हुआ नहीं है, लेकिन ऑक्स डिटेक्ट कर रहा है और प्ले भी कर रहा है। तो थम्स अप इस वीडियो के लिए। आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को, और फिर मिलते हैं दूसरे किसी और रिपेयर या फिक्स के साथ। चलिए बाय। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और चलो निकलो।